मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। तौबा करें, मुसलमान तो सब हैं, कौन सफे का जन्नत में जाएगा? आपने बतला दिया है कि मा आना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबे के रास्ते में चलेगा वो जन्नत में जाएगा। कब्रिस्तान में जाए तो वालिदैन की कब्र पे उनके लिए दुआ करें मगफरत की, वैसे भी उनके लिए पढ़ा करें कुरान सदका खैरात। मेरे बच्चे और बच्चियां फौत हो गए हैं, आखिरत में, बिल्कुल आखिरत में वो अपने वालिदैन की शफात करेंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि जिन्नात में भी लोग बड़े बड़े ऊंचे मकाम के गुजरे हैं और अब भी है। ये तो नहीं कि जिन खत्म हो गए, अब भी जिन है, वो भी क्यामत तक रहेंगे, उस इंसान भी रहेंगे जिन भी रहेंगे। अच्छा, अब ये एक मसला है कि क्या जिन्नात जन्नत में जाएंगे? हाँ जाएंगे। बाद लोग कहते हैं कि नहीं जाएंगे, बस अल्लाह को दुनिया में नहीं, वो भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन ला शक का भी तालिक उनकी जन्नतें अलग होंगी, इंसानों की जन्नतें अलग होंगी और अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएंगे। इसी तरह जिन्नात जो है इनमें तवालुद और तनासुर भी होता है, इन्हें बच्चे भी पैदा होते हैं, शादियां भी होती हैं, औलाद भी इनकी होती है, तो उनमें तवालुद भी है, तनासुर भी है, उनमें इल्म भी है, ताल्लुम भी है। और इससे बड़ा क्या मकाम होगा कि हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक आलिम ने किताब लिखी है अल मरजान फी अहकामिल जान, उसमें उसने सारे वो वाकया जिक्र किए हैं जब जिन हुजूर की खिदमत में आए सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि वसाबी वसल्लम। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।